देश की आज़ादी के अमृत महोत्सव पर तिरंगा सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। 11 अगस्त से 19 अगस्त तक आयोजित किए जाने वाले तिरंगा सप्ताह के अंतर्गत घर घर तिरंगा लहराया जाएगा, जिसके लिए प्रशासन द्वारा सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। जनपद में करीब 4 लाख तिरंगे फहराने का लक्ष्य जिला प्रशासन को मिला है। उसी क्रम में लोगों को घर घर तिरंगा लहराने के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से बुधवार को कलेक्ट्रेट से तिरंगा रैली निकाली गई, जिसका शुभारंभ जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल द्वारा हरी झंडी दिखाकर किया गया। इस दौरान उनके साथ मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर नितिन गौड़, डीपीआर किरण चौधरी भी मुख्य रूप से उपस्थित रही। तिरंगा रैली में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। तिरंगा रैली के संबंध में जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल, मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर नितिन गौड़ और डीपीआर किरण चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि लोगों को घर घर तिरंगा फहराने की अपील की जा रही है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में आप देख रहे हैं कि तिरंगा लहराने की शुरुआत मथुरा कलेक्ट्रेट से हो गई। आज एक रैली तिरंगा रैली जो निकाली जा रही है, जिसका शुभारंभ जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल ने किया है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कलेक्ट्रेट की, जहां पर कि आंगनबाड़ी बहनें जो हाथ में तिरंगा लिए हुए हैं। ये आज़ादी के अमृत महोत्सव पर ये मैसेज है कि जो हमें 13 से 15 अगस्त तक घर घर जो तिरंगा लहराना है, उसको लेकर शुरुआत हो गई है। ये संदेश दिया जा रहा है कि आप भी सभी लोग घर घर तिरंगा लहराएं, क्योंकि राष्ट्र भावना जो सबसे बड़ी एक हमें संदेश देती है इस तरीके से, तो ये बेहद आवश्यक है कि राष्ट्र भावना को ध्यान में रखते हुए सरकार ने आह्वान भी किया है कि घर घर तिरंगा जो लहराना है, उसके मद्देनज़र यहाँ आप इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि आंगनबाड़ी जो बहनें हैं वो ये तिरंगा लेकर एक रैली निकाल रही हैं। और तिरंगा रैली का ये संदेश हम पूरे जनपद में दे रहे हैं कि आप भी घर घर जाके तिरंगा ले रहे हैं। यहाँ पर डीपीआरओ मैडम भी हैं। हाँ मैडम, क्या कुछ संदेश इस तिरंगा रैली से आप लोग देना चाह रहे हैं? बिल्कुल, ये बहुत राष्ट्र भावना को बढ़ाने और राष्ट्र प्रेम की भावना को अधिक प्रगाढ़ करने के लिए जी, ये भारत सरकार का जो विशेष कार्यक्रम चल रहा है, इसमें हर घर तिरंगा घर घर तिरंगा जी, इसमें आंगनबाड़ी बहनों के माध्यम से एक रैली निकाली गई है जी। आदरणीय डीएम सर, सीडीओ सर ने हरी झंडी दिखा करके इसको रवाना किया जी। ये राजीव भवन तक जाना है। ये रैली प्रतीक है शुरुआत की। अब हर विद्यालय में बच्चे गली गली में इस तरीके की रैली निकाली जाएगी। और क्या संदेश आप देना चाह रही हैं पब्लिक को? घर घर तिरंगा लहरना चाहिए। बिल्कुल, जनमानस को यही संदेश है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने घर पे 15 अगस्त को तिरंगा लहराएं और सम्मान के सहित और राष्ट्रगान राष्ट्रगीतों के माध्यम से राष्ट्र प्रेम की भावना को विकसित करना है, बढ़ाना है और हर घर में तिरंगा लगाना है सम्मान के साथ में। ये संदेश है जनमानस का और ये आंगनबाड़ी बहनें इसमें अपनी बड़ी भूमिका निभा रही हैं। धन्यवाद। आपने देखा कि ये संदेश दिया जा रहा है और घर घर तिरंगा का, और यहाँ पर आ चुकी मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर नितिन गौड़ साहब भी हैं, जो कभी हरी झंडी निकालकर यहीं पर हैं। सर, क्या कुछ और कहना चाहेंगे घर घर तिरंगा के इस आयोजन को लेकर? बस आपके माध्यम से अपील है कि हर क्षेत्रवासी हर घर तिरंगा में बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करें और उसके माहौल को एंजॉय करें और देशभक्ति की भावना एक्सप्रेस करें। तो पूरे जनपद में ये घर घर तिरंगे का आयोजन होगा? हाँ जी। कब से कब तक सब चलेगा ये? ये 11 से 17 अगस्त हर घर तिरंगा वीक है और 13, 14, 15 अगस्त तक हर किसी से तिरंगा फहराया जाना एक्सपेक्टेड है। हमारी अपील है कि वो फहराएं तिरंगा। सर, आज तिरंगा की शुरुआत कलेक्ट्रेट से आप हरी झंडी दिखा के कर रहे हैं, क्या कुछ संदेश जनपद भर में देना चाह रहे हैं? आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर हर घर तिरंगा कार्यक्रम के आयोजन के लिए आज एक रैली निकाली जा रही है, जो हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हैं। ये यहाँ कलेक्ट्रेट से जाकर और राजीव भवन तक एक रैली, जागरूकता रैली निकाल रही है, जिससे कि जो आगामी 13 तारीख से लेकर 15 तारीख तक हर घर तिरंगा आयोजन अभियान जो किया जाना है, जिसमें प्रत्येक हमारे जो नागरिक हैं उनसे अपील की जा रही है कि अपने अपने घरों पर जो हमारा तिरंगा है उसे ज़रूर फहराएं। इस जागरूकता के लिए इस रैली का यहाँ पर शुभारंभ किया गया है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत विभिन्न विभाग हर घर तिरंगा कार्यक्रम के अंतर्गत अपनी अपनी गतिविधियाँ संचालित कर रहे हैं और जागरूकता का ये संदेश जनपद में घर घर तक पहुँचा रहे हैं कि 13 से 15 तक अपने अपने घरों में तिरंगा झंडा ज़रूर फहराएं। कितने झंडे तिरंगे लहराए जाएंगे जनपद में? कितना टारगेट आपने रखा है? जनपद में लगभग 4 लाख झंडों का टारगेट हमें मिला है और जिसे संबंधित सभी विभागों को बनाने के लक्ष्य अलग अलग दिए गए हैं, तो कुल मिला के लगभग 4 लाख का जो लक्ष्य है वो जनपद में हमें यहाँ पर मिला है, जो
बड़ी ही जल्दी पूर्ण भी किया जा रहा है। लोगों से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे तिरंगा को लेकर? सभी लोगों से यही अपील करेंगे कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर हम इस 15 अगस्त को और अपने इस देश के स्वाधीनता दिवस के अवसर पर इस आयोजन को बड़े हर्षोल्लास से मनाएं। साथ ही साथ 13 तारीख से लेकर 15 तारीख तक अपने घरों में झंडे का फहराने का जो हमारा अपील है उसके अनुसार ज़रूर कार्य करें। इसके सर कोई समय अवधि रहेगी झंडा फहराने? जी हाँ, झंडा फहराने की देर इज़ अ फ्लैग कोड, फ्लैग कोड के अनुसार जो है उसके अनुसार ही हम सभी लोगों को झंडे को फहराना है। अपील भी की जा रही है कि घर घर तिरंगा लहराना है, और चूँकि ये तिरंगा सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है और ये 15 अगस्त पर जो कि हमारा स्वाधीनता दिवस है, अमृत महोत्सव है, उसके उपलक्ष्य में सरकार ने भी इस कार्यक्रम को बड़े अच्छे तरीके से डिजाइन किया है कि लोगों को राष्ट्र के प्रति समृद्ध भावना का एक संदेश भी हमें देना चाहिए। जो हमारा तिरंगा है, जो हमारी शान है, हम उसको राष्ट्र भावना के प्रति जागरूक अपने घरों पर लहराएं और ये संदेश भी दें ताकि हमारी जो ये पीढ़ी है, आने वाली पीढ़ी है, यानी हमारे जो देश के लोग हैं वो राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें और एक राष्ट्र भावना भी लोगों में इससे पैदा हो। बिना ऑपरेशन स्पाइन व जोड़ों के दर्द का इलाज और न्यूरो सर्जरी अब मथुरा में संभव। क्षेत्र में पहली बार बड़े शहरों की सुविधा अब सिटी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रोमा सेंटर में उपलब्ध। आईसीयू, एनआईसीयू, वेंटिलेटर, एक्सीडेंट के सभी इमरजेंसी मरीज, दिमाग एवं रीढ़ की हड्डी के सभी ऑपरेशन अब मथुरा में संभव। राम मनोहर लोहिया पीजीआई अस्पताल के चिकित्सकों द्वारा 24 घंटे इमरजेंसी एवं प्रतिदिन ओपीडी की व्यवस्था। डॉक्टर प्रेम पाल भाटी, न्यूरो सर्जन, राम मनोहर लोहिया पीजीआई अस्पताल। न्यूरो सर्जरी, दिमाग एवं रीढ़ की हड्डी एवं एक्सीडेंट के सभी गंभीर मरीजों का इलाज अब मथुरा में सिटी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में 24 घंटे उपलब्ध है। प्लास्टिक सर्जरी की सुविधा भी उपलब्ध। सभी प्रकार के प्लास्टिक सर्जरी के विशेषज्ञ सर्जन डॉक्टर डिम्पी शर्मा। सिटी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में अब हर तरह की प्लास्टिक सर्जरी की सुविधाएं उपलब्ध है, तो मथुरा वासियों को अब आगरा या दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर गौरव भारद्वाज, डायरेक्टर एंड फिजिशियन, सिटी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रोमा सेंटर एवं पेन मैनेजमेंट सेंटर गोवर्धन चौराहा के समीप दिल्ली हाईवे मथुरा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।